Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या प्याज किडनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। हाफ कप सर्विंग अनियन में 3 मिलीग्राम सोडियम, 116 मिलीग्राम पोटाशियम और 3 मिलीग्राम फॉस्फरस प्रेजेंट होता है। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होने की वजह से पंजेंट स्मेल आती है, लेकिन प्याज में फ्लेवोनॉइड्स काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, खासकर क्वेरासिटिन, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके हार्ट डिजीज को रिड्यूस करता है और कैंसर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। आप प्याज को बॉइल्ड या किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए। आइए आज जानते हैं कि प्याज किडनी के लिए कैसे बेनिफिशियल है और इसके सेवन से आपको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। फर्स्ट है डायबिटीज़। रोज़ाना प्याज खाने से हमारी बॉडी में इंसुलिन फॉर्म होता है, जो बढ़ रहे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का रिस्क कम हो जाता है और डायबिटीज़ की वजह से किडनी प्रॉब्लम होने का चांस भी ख़त्म हो जाता है। सेकेंड है ब्लड प्रेशर। इसमें कच्चा प्याज खाने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लगातार बढ़ते ब्लड प्रेशर की वजह से आपको कई बीमारियों को फेस करना पड़ सकता है और बढ़ते ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी किडनी डैमेज भी हो सकती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर के साथ साथ किडनी की कोई समस्या है, वो कच्चे प्याज का सेवन ना करें। थर्ड है यूरिन प्रॉब्लम। अगर आपको यूरिन इरिटेशन हो रही है या बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो इस प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए आप 6 से 7 ग्राम प्याज को पानी में उबाल कर पिएं। इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको यूरिन प्रॉब्लम में ब्लड या प्रोटीन आ रहा है, तो शायद आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उस कंडीशन में आप इसका सेवन ना करें और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। फोर्थ है स्टोन प्रॉब्लम। किडनी फेल होने का एक रीज़न किडनी स्टोन भी होता है। ऐसे में आप प्याज के रस को चीनी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं। इसके डेली यूसेज से स्टोन यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। फिफ्थ है कोलेस्ट्रॉल। प्याज के अंदर मिथाइल सल्फेट और अमीनो एसिड होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहने से आपको दिल की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। सिक्स्थ है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको स्टमक से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ऐसे में आप सेंधा नमक के साथ प्याज का सेवन कर सकते हैं। प्याज का इस्तेमाल करने से पेट से जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। सेवेंथ है अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 1 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच हनी मिलाकर पानी के साथ लें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये थी कुछ प्याज से जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ कि कैसे ये हमारी किडनी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि किडनी पेशेंट को किसी भी वेजिटेबल का इस्तेमाल रॉ फॉर्म में नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।